हेलो बच्चों, आज हम लोग नाव बनाओ कविता को पहले पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। नाव बनाओ भैया मेरे, जल्दी आओ। वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है, साथ समुंदर भर लाया है। तुम रस का सागर भर लाओ भैया मेरे, जल्दी आओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा। ऐसे में तुम भी लहराओ भैया मेरे, जल्दी आओ। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो, फिर बाजार लपक तुम लाओ भैया मेरे, जल्दी आओ। ले आओ कागज चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला, कैंची चुटकी हाथ चलाओ भैया मेरे, जल्दी आओ। छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती, नाव तैरा मुझको हरसाओ भैया मेरे, जल्दी आओ। क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर यह किसके बस का, खोट सभी है बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ भैया मेरे, जल्दी आओ। हरे कृष्णदास गुप्त। अब हम करेंगे इस कविता से कुछ नाम वाले शब्द। पहला है बाजार, अगला है नाव, कागज, लाल, हरा, नीला, पीला, कैंची, हाथ, ये सब हैं नाम वाले शब्द। अब करेंगे काम वाले शब्द। बनाना, आना, लाना, भरना, लहराना, खोलना, टटोलना। अब हम करेंगे तुकांत शब्द। जैसे बनाओ, बनाओ का तुकांत क्या है, आओ। अगला है छाया, उसका तुकांत शब्द क्या होगा, लाया। अगला है भरेगा, उसका तुकांत शब्द होगा, धरेगा। ऐसे ही खोलो, खोलो का तुकांत शब्द क्या है, टटोलो। अब आगे इस कविता से हम करेंगे विलोम शब्द। तो पहला है आना, आना का विलोम शब्द क्या होगा, जाना। अगला है भरा, भरा का विलोम शब्द होगा, खाली। अगला है खोलना, उसका विलोम शब्द क्या होगा, बंद करना। अब हम करेंगे समानार्थी शब्द, जो शब्द एक ही अर्थ देते हैं। जैसे बादल, तो बादल को हम और क्या बोलेंगे जिसका समान अर्थ होगा, ऐसा कौन सा शब्द होगा, तो जलद और मेघ। ऐसे ही समुंदर, उसका होगा सागर, जलधाम। अगला है पानी, उसका होगा नीर, जल। अगला है नाव, उसका होगा नौका, तरीनी। ओके, तो ये सारा सब कुछ इस कविता से रिलेटेड था। अब आपके लिए इसमें एक एक्टिविटी है, वो क्या है कि आपको जो है एक नाव बनानी है कागज़ का यूज करके। ठीक है, आपने क्राफ्ट में ये सारी चीज़ें की होंगी, तो आपको एक नाव बनानी है और उस नाव से रिलेटेड कोई भी आपका कोई इंसिडेंट या कोई स्टोरी या कोई आपकी लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसी हैपनिंग जो हुई हो, वो आपको अपने शब्दों में लिखनी है, लगभग एक पेज। ये आपके लिए एक एक्टिविटी है। थैंक यू।